हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। आज हम हरियाणा ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर आई अपडेट पर बात करेंगे। इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में यह जानकारी दी गई है कि इसी माह पूरी होगी ग्रुप डी भर्ती। 13,536 पदों पर दोगुने अभ्यर्थियों को बुलाने की तैयारी में आयोग सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा। आयोग जिस पर अभ्यर्थियों से पसंदीदा विभाग पूछेगा। प्रदेश में ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने की तैयारी चल रही है। भर्ती के लिए हुई परीक्षा का परिणाम भी 15 दिसंबर तक आने की संभावना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यह परीक्षा ली थी। करीब 28,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बाद प्रश्नों पर सवाल उठाए थे। इस संदर्भ में एनटीए द्वारा सभी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार कराने का निर्णय लिया है, जिस पर मेरिट में आने वाले युवा अपना पसंदीदा विभाग का नाम भर सकेंगे। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि 15 दिसंबर तक रिजल्ट, अब अगले 15 दिन में ज्वाइनिंग दी जाएगी। आयोग यह भी तैयारी कर रहा है कि एक पद के लिए कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। दूसरा ऑप्शन यह भी हो सकता है कि 13,536 पदों के लिए मेरिट में आने वाले दोगुने यानी 26,000 अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। उदाहरण के तौर पर यदि मेरिट 70% पर रुकती है तो इसमें से सामाजिक आर्थिक लाभ के 5 अंकों को घटाकर 65% तक अंक लेने वालों को भी बुलाया जाए। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।